हेलो दोस्तों, प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन के साथ दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 2 मई के लिए 2 बेहतरीन स्टॉक लेकर आए हैं जो आपको इंट्राडे में जोरदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं। कल है 1 मई और कल मार्केट बंद है महाराष्ट्र दिवस के कारण, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए 2 मई के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले बाजार को देख लेते हैं। तो बाज़ार में अच्छा खासा मोमेंटम था, अच्छा खासा तेज़ी था, लेकिन एंड ऑफ द डे वो एकदम नेगेटिव पॉइंट में क्लोज हुआ, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो उसी प्रकार से सेंसेक्स भी उसी प्रकार से, मिड कैप में उतनी कुछ खास तेज़ी नहीं और निफ्टी नेक्स्ट 50 भी उतना कुछ खास मूवमेंट नहीं किया, ठीक है। तो अगर ओवरऑल कंडीशन में देखा जाए तो एकदम से मार्केट मतलब ऊपर तो बहुत धीरे धीरे गिरा, लेकिन बैक टू बैक 4-5 कैंडल जो 15-15 मिनट के थे उसमें एकदम से गिरावट देखने को मिली, जो कि मार्केट के हिसाब से एक सही पॉइंट नहीं है। खैर, देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। अब हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है उसको अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है ग्रासिम इंडस्ट्री। दोस्तों, ग्रासिम इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो बढ़िया स्टॉक्स है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेंज बाउंड के कारण स्टॉक का जो मोमेंटम था ना दोस्तों, वो थोड़ा सा स्लो भी था। मतलब दोस्तों, अगर देखें तो 50 पॉइंट की रेंज थी ये, दोस्तों आप देख सकते हैं 1375 से 1325, इसी बीच में दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 दिन मतलब उसने इसी लेवल के बीच में बिता दिए, ठीक है। लेकिन आज एक अच्छा खासा 1375 के ऊपर ओपन भी हुआ, 1375 के ऊपर ट्रेड भी किया और 1375 के ऊपर क्लोज भी हुआ। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है। अब ये रेंज बाउंड था तो या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना कन्फर्म था, ठीक है। ऐसे स्टॉक अक्सर मैं ढूंढता हूँ, क्यों? क्योंकि दोस्तों, जहाँ पर ब्रेकआउट आ जाता है वहाँ पर कंफर्टेबल देखने को मिलता है कि हाँ, 1-2 दिन तो ट्रेंड हमें उसी प्रकार से देखने को मिलेगा जिस प्रकार से ब्रेकआउट आया है। अगर ब्रेकडाउन आ जाता तो ट्रेंड शायद हो सकता था 2-3 दिन गिरावट वाला देखने को मिले, ठीक है। देन उसके साथ अगर आप देखेंगे तो नीचे से भी बढ़िया हमें मोमेंटम देखने को मिला था अपसाइड का, फिर उसके बाद कंसोलिडेट किया और एक फिर ब्रेकआउट, ठीक है। तो हमारे लिए एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है और इसी के हिसाब से हम स्टॉक को भी बाय करके ही चलेंगे, ठीक है। तो अगर परसों के दिन, थर्सडे के दिन, 2 तारीख के दिन अगर ये स्टॉक देखे, थोड़ा सा दूर से बाय करने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर हमें पोजीशन मिले, तो 2420 रुपये से हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। बढ़िया दोस्तों, 2430 का टारगेट रखेंगे और यहीं पर लगभग हम 2440 का सेकेंड टारगेट रखेंगे, ठीक है। और बहुत सारे जनों का कहना है कि 2-5 रुपये तो हम ऐसे ही कमा लेते हैं, तो हम मैं उनसे बोलना चाहूँगा ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है दोस्तों जो मार्केट में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ठीक है। खाली प्रॉफिट के पीछे पागल नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग मार्केट से दूर रहिए, जिनको 2-5 रुपये ईजिली मिल जाते हैं बिना मेहनत करने से, आप मार्केट से दूर रहिए। या आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो हमारे चैनल से दूर रहिए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, जो सीखना चाहता है उसके लिए ये चैनल बेस्ट है। और SL की अगर मैं बात करता हूँ तो 2410 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा तो हमारा जो SL हमारी कॉस्ट पर आ जाना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से हम ग्रासिम को फोकस में रखेंगे। चलिए एक और अपडेट देना चाहूँगा दोस्तों। ये है हमारा प्रॉफिट गुरु FND कॉल का टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए बेस्ट एंड बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। आज भी बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट अपडेट किया, उस पर बता दिया कि 49,500 का लेवल ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट है और 49,300 का नीचे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों हमें दिखा कि हाँ, अब ट्रेड लेने के लिए हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, तो वैसे ही 9:54 पर ट्रेड लिया, ठीक है। हमारा टारगेट यहाँ पर डन हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद 49,500 रुपये के लेवल से लगभग जो ब्रेकआउट मिला वो 175 पॉइंट के आसपास का मिला, ठीक है। देन उसके साथ यहाँ पर देखिए 11:43 पर फिर चार्ट अपडेट किया कि हमारा अभी बैंक निफ्टी रेंज बाउंड हो चुका है, प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करो। तो प्रॉपर दोस्तों हमें ब्रेकआउट मिला और कितने पॉइंट का ब्रेकआउट मिला अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 300 पॉइंट के समथिंग का हमें दोस्तों ब्रेकआउट मिला, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डेली बेसिस पे इसी प्रकार से बेहतरीन अपडेट हम दोस्तों आप लोगों के लिए लाते हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो आपको क्या करना है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, बाकी सब चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, बस आपको उसको समझना है, सीखना है और अपने माइंड में रखना है, ठीक है। जब डेली बेसिस पर इसी प्रकार की चीज़ें फ्री में सीखने को आपको मिलेगी तो आप भी बेस्ट एंड बेस्ट चीज़ें न्यू सीख जाओगे, ठीक है। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सेकेंड स्टॉक पर फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो सेकंड स्टॉक है उसका नाम है इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। ये भी थोड़ा सा रेंज बाउंड में परेशान था, आप देख सकते हैं 1500 के बाद दोस्तों यहाँ पर 1450,
इसी रेंज में दोस्तों वो काफ़ी दिन तक समय बिताया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आज का भी ये मान के चल रही कि आज का खैर 1500 के रिजेक्शन के लेवल पे ही बिताया ज़्यादा था। ब्रेकआउट मिला था, छोटा सा ब्रेकडाउन भी मिला, लेकिन दोस्तों फिर से रेंज में आ गया। लेकिन आज अगर देखें तो एक बढ़िया दोस्तों 1500 रुपये के लेवल पे प्रॉपर समय बिताया। पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा समय बिताया, अब एक 15 मिनट का कैंडल है, आप देख सकते हैं कितना समय बिताया। समय यहाँ पर भी बिताया था, ब्रेकआउट मिला भी था, लेकिन उसको टिका नहीं पाया। जब यहाँ पर ब्रेकआउट मिला तो ऊपर भी गया और ऊपर ही क्लोज हुआ, तो हमारे लिए ये भी काफ़ी बढ़िया प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो इसको भी हम बाय करके चलेंगे। तो किस लेवल से बाय करना है, तो हमें दोस्तों 1500 रुपये से इसको बाय करना है, ठीक है। पहले टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 1525 का रखेंगे, दूसरे टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 1535 का रखकर चलेंगे, ठीक है। इस हिसाब से हम इसमें मोमेंटम कैप्चर करेंगे और लगभग 1505 रुपये का SL रखेंगे, ठीक है। तो इंडसलैंड बैंक इस पर हम इस प्रकार से फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये दो बेहतरीन स्टॉक है, दोनों पे हमने हमारा एनालिसिस आपको अपडेट कर दिया, अपना भी एनालिसिस थोड़ा सा ज़रूर लगाइएगा, और कुछ दिक्कत आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, प्रॉपर आपको रिप्लाई देंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ही लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ अपडेट की जाती है, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।